तीन ऐसी साइकोलॉजिकल चीज़ें अगर रिलेशनशिप में आपने अपने पार्टनर से करवा ली, अगर आप इसमें सक्सेसफुल हो गए तो उसके बाद आपका पार्टनर आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। आपने अफकोर्स ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपने पार्टनर के बिना नहीं रह पाते, उनके पार्टनर उनके साथ अनजाने में ये चीज़ें कर जाते हैं, उनको भी पता नहीं होता। एंड इस वीडियो में मैं आपको वही साइकोलॉजिकल चीज़ें सिखाने वाला हूँ, पर प्लीज़ अपने पार्टनर को हर्ट करने के लिए या उनको परेशान करने के लिए इनका यूज़ ना करें। एंड आपको ये भी सीखना है कि अपने पार्टनर के लिए आपको ये करना नहीं है, सिर्फ करवाना है। जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते और देखते कि वो साइकोलॉजिकल कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीन चीज़ें हैं जो आपको अपने पार्टनर से करवानी है। सबसे पहली जो चीज़ होती है कि आपको अपने पार्टनर को ना अपनी बातें मनवानी है, अपनी बातों को फॉलो करवानी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका जो पार्टनर है ना, जितनी आपकी बातों को फॉलो करता जाएगा उनका माइंड इतना ही आपके कंट्रोल में आएगा। मैं कह रहा हूँ उनका माइंड आपके कंट्रोल में आ जाएगा। हालाँकि ये कोई ईजी नहीं है, अपनी बातें कैसे मनवाते हैं वो भी एक आर्ट है, ये आपको सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे तो आपको आदत लगा देनी कि वो पर्सन धीरे 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 अपनी बातों को मानते ही जाए। तो इसमें क्या होता है, आपको ये समझना है कि पहले ना इंसान को बहुत छोटी छोटी चीज़ों से आदत डलवाओ कि आपकी बातों को वो फॉलो करे। छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको फॉलो करने के लिए आप कहो तो करने लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डायरेक्ट कोई बड़ी बात कहोगे तो वो नहीं करेंगे। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम लगता है। अब इसका क्या असर होता है आप ये देखिए आप सालों से अपने घर किसी रास्ते में ना पैदल चल के जाते हैं। आपको पता है कि आपका रास्ता घर जाने का फिक्स है, 2 मिनट का 5 मिनट का रास्ता है, कोई भी स्टॉप है वहाँ से आप उतरते हो और पैदल हमेशा जाते हो। तो 5 साल 10 साल इतने टाइम आपका घर वहीं पर है। एंड अभी ना आप कुछ काम करते करते जाओ, यानी कि मोबाइल पे कुछ करते करते जाओ या सोचते सोचते जाओ, जो रास्ता एकदम आपका पहचान वाला होता है जहाँ पर आप हमेशा चलते हो, वहाँ पर आपका माइंड कहीं और पे भी होगा ना तो भी आप सही पे अपने घर पे चले जाओगे, क्योंकि वो रास्ते पे इतनी बार आप गुजरे हो, उतनी बार गुजरे हो कि वो रास्ता ना आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पता है। ठीक है, आपका माइंड कहीं पर एक्टिव है फिर भी आप उस जगह पे चले जाओगे। कई बार ऐसा होता है बाइक चलाते चलाते आप कहीं ख्यालों में खो गए, फिर भी बाइक आपकी चल रही है। ठीक है, हालाँकि माइंड एक्टिव नहीं होता तो प्रॉब्लम तो होता है, पर चीज़ क्या है कि आपके माइंड में वो बात बहुत गहराई से बैठ गई है। तो उसी तरह से जब कोई इंसान ना हमेशा आपकी बात को मानना है, आपकी बात को मानना है, आपकी बात को मानना है, तो कभी भी वो इंसान आपकी बात को टाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनके माइंड को क्या है कि जो ये पर्सन है ना वो कुछ भी कहे बस हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, धीरे 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 उनको इतनी आदत हो जाएगी फिर वो अपना माइंड यूज ही नहीं कर पाएंगे, चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो फंस जाते हैं रिलेशन में, तो उनके साथ यही होता है। सबसे पहली चीज़ तो वो डिसीजन ही नहीं ले पाते कि रिलेशन में रहना सही है गलत है, क्योंकि बहुत अंदर तक चले गए। अगर उन्होंने डिसीजन ले भी लिया कि मुझे इस रिलेशन से निकलना है तो वो निकल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ना सामने वाले की बात को टालना वो करेज ही नहीं रहता। ठीक है, उनका माइंड वहाँ पर यूज़ ही नहीं होगा, सामने वाला जो कहेगा वही चीज़ होगी। तो ये बहुत छोटी बात है आपको सुनने के लिए लगेगा, लेकिन अगर धीरे 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 ये चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है ना तो इसका पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये गलती स्पेशली आप मत करना, अपने पार्टनर से करवाओ ना करो वो दूसरी बात है। दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो होता है इन्वेस्टमेंट, कि आपका पार्टनर इस रिलेशन के लिए और आपके लिए अपनी लाइफ में से कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस करता है। अब मान लो आप अपने दोस्त के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ कर जा रहे हो, अपना दोस्त भी साथ में, एंड साथ में आपकी लाइफ भर की पूंजी आपके साथ में, धन दौलत जो भी अब तक आपने अपनी लाइफ में कमाया सब कुछ आपके साथ में है। तो रास्ते में आप दोनों हेलीकॉप्टर लेकर जा रहे थे एंड हेलीकॉप्टर का इंजन है वो ख़राब हो गया। अब आपको लैंडिंग तो हो नहीं पाएगी हेलीकॉप्टर से, तो पैराशूट से आपको जंप ही लगाना है। तो उस टाइम पे एकदम बहुत ज़्यादा आप सोचोगे नहीं कि जल्दी से आप पैराशूट से कूद जाओगे। तो आपसे पहले जो आपका दोस्त था ना वो तो ये काम कर चुका होगा, मतलब उसने किसी चीज़ के लिए रुकना नहीं है, वो एकदम जंप जल्दी से लगा लेगा। पर आपके पास ना अपनी जो ये धन दौलत है ना, तो आप सोचोगे कि यार मुझे कूदना तो है, ठीक है कूदना ही पड़ेगा, पर मैं इसको साथ लेकर कूद सकता हूँ क्या? मैं क्या ऐसा करूँ कि मेरे जो पैसे है, ठीक है मुझे यहाँ से छोड़ के ना जाने पड़े, क्योंकि हेलीकॉप्टर में आप छोड़ देंगे तो कहीं पर जाएगा, शायद उसमें आग लग जाएगी, कहीं और जगह पे गिरेगा, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप मैक्सिमम ट्राई करोगे कि इस पैसे को छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसको कमाने के लिए ना आपने अपनी पूरी लाइफ में टाइम एनर्जी सब कुछ जोड़ दिया था, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वही आपके पास अपना पावर है।
तो कहने का मतलब ये कि आपका दोस्त एक पल भी नहीं सोचा, वो कूद गया। क्यों? क्योंकि उसका कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ पर छूट के नहीं रह रहा था, उनको कुछ छोड़ के जाना नहीं पड़ रहा था, उनके पास अपनी जान थी, वो लेकर भाग गया। ठीक है, पर आपके पास अपना पैसा, अपनी दौलत, अपना इन्वेस्टमेंट अपने साथ था, तो आप नहीं चाहते कि वो डूब जाए। तो कोई भी इंसान जिस रिश्ते में, जिस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, सेक्रीफाइस करता है, या आपको खुश करने के लिए, ठीक है, या आपके पीछे अपनी लाइफ की चीज़ों को सेक्रीफाइस करता है, तो उनके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। एंड रिलेशनशिप में मैं जितने भी लोगों को देखता हूँ जो कहते कि नहीं, मैं कभी उनको भूल नहीं पाऊँगा, मैं उसको कभी छोड़ नहीं सकता, मैंने ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी है कि अपने पार्टनर के लिए उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। तीसरी चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कि आपके पार्टनर के अंदर आपको खोने का डर। एंड ये चीज़ आप दिखा सकते हो कि आपको ना दुनिया में बहुत सारे लोग पसंद करते हैं। इस चीज़ से मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जिनके रिलेशन में प्रॉब्लम होता है, एंड एक चीज़ कॉमन होती है उनमें भी कि हमेशा उनके अंदर डर रखता है कि यार मतलब उनको तो कोई और मिल जाएगा, कोई और मिल जाएगा कोई। ठीक है, ये चीज़ कैसे होती है? अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना कि अपने पार्टनर के लिए अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। तो अगर रिलेशनशिप में आप ऐसे पर्सन हो जो अपने पार्टनर को ये बता देते हो कि भाई मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, तो तुम्हारी ना सबसे बुरी हालत होगी। पर अगर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार तुम्हारी लाइफ में तो बहुत सारे दोस्त है, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, तो तुम्हारे मजे हैं। ठीक है, तुम्हारा पार्टनर हमेशा बेताब रहेगा क्योंकि उनके माइंड में तुम्हारी एक आइडेंटिटी अलग बनेगी, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं उसके कारण। तो एकदम साफ साफ साइकोलॉजी यही है कि किसी भी चीज़ की अगर बहुत ज़्यादा तंगी है तो लोग क्या है कि उस चीज़ को पहले खरीद लेंगे, जमा करने लगेंगे कि बाद में मिले ना मिले। पर अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है, तो लोग उसके लिए रिलैक्स रहेंगे। पर आपके पार्टनर को जब ये लगेगा कि भाई आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको सब पसंद करते हैं, तो हमेशा से उनके अंदर एक डर रहेगा कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ, कोई और उसको ना ले जाए इस चीज़ का। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यार तुम लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ दोस्ती रखो, ग्रुप में रहो, ठीक है, ताकि आपके पार्टनर को पता चले कि यार लोग इसके साथ उठते बैठते उनको पसंद करते हैं। सिंपली लोगों में अपना नेटवर्क रखो। सिंपल ये तीन चीज़ें अचानक से नहीं हो जाएगी, इसमें टाइम लगेगा। पहली चीज़ ये अपनी बातों को मनवाना, दूसरी चीज़ ये आपके रिलेशन में और आप में इन्वेस्टमेंट कराना, एंड तीसरी चीज़ ये कि उनके अंदर एक ये डर क्रिएट करना कि बहुत सारे लोग भी आपको पसंद करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।